हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर सुधीर कुमार शर्मा ने शुक्रवार को मिली शिकायतों के बाद बांगड़ अस्पताल की ब्लड बैंक का औचक निरीक्षण कर यहां के दस्तावेजों की जांच की है। अस्पताल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिला कलेक्टर को बांगड़ अस्पताल के ब्लड बैंक से दिए जाने वाले रक्त के वितरण को लेकर शिकायत मिली थी कि जिसके आधार पर आज औचक निरीक्षण किया गया है। जिला कलेक्टर ने नई और पुरानी ब्लड बैंकों का निरीक्षण कर यहां के तमाम दस्तावेजों की बारीकी से जांच करने के साथ पूरी रिपोर्ट तलब की है। वहीं ब्लड बैंक में और अस्पताल परिसर में रक्तदान करने वाले और मरीजों के साथ आए परिजनों को खून के लिए पैसे नहीं देने के संकेतक बोर्ड लगाने के लिए भी निर्देशित किया गया है। यहां की व्यवस्थाओं को लेकर जिला कलेक्टर ने नाराजगी भी व्यक्त की है। पाली से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।